तो मैंने दो फॉर्मूले के बारे में बात किया। पहला फॉर्मूला बात किया किसके बारे में, इंडेक्स के बारे में। तो इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स नंबर देता है। क्या देता है, इंडेक्स नंबर। बस अप्लाई कीजिए यहां पे, ये आपको यहां यहां देख सकते हैं कि इंडेक्स नंबर आपको देते हैं। दूसरा आता है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला भी इंडेक्स नंबर ही देता है, लेकिन 0, -1, -2, -3 के फॉर्म में ये इस तरह से कंटिन्यूस आपको चलेगा। ऐसे आता है लास्ट फॉर्मूला, इसको अप्लाई करेंगे तो इस तरह से इंडेक्सिंग नंबर आएगा लेकिन लास्ट से फर्स्ट उल्टा आएगा। देखिए दिख रहा है आपको, 0 से लेके इस तरह से उल्टा है। तो इन सॉर्टिंग वगैरह में इसका यूज किया जाता है, हालांकि इसका रिपोर्ट में कोई यूज नहीं है, बस सॉर्ट वगैरह में इसका यूज किया जाता है। अब आता है इसमें लुकअप फॉर्मूला, ठीक है। इसमें क्या आता है, लुकअप फॉर्मूला। जैसे यहां पे हम लगाते हैं फॉर्मूला लुकअप। लुकअप में मैं बोलता हूं कि सम ऑफ क्वांटिटी, यहां पे एक्सप्रेशन आ गया, और यहां पे आपका आता ऑफसेट। यहां पे देख सकते हैं इसने एग्जांपल दिया है कि फर्स्ट प्लस टू, मतलब कि यहां पे मैं चाहता हूं यहां पे फर्स्ट में मान लीजिए प्लस टू करके एंड अप्लाई करता हूं, ठीक है। तो ये आपका आ गया कि जो तीसरा नंबर का वैल्यू है ना, वो ये देखिए यहाँ पे, ये दिख रहा है 1, 2, तीसरा नंबर की वैल्यू आपको यहाँ पे शो कर, ठीक है। तो ये जरूरी क्वांटिटी होना चाहिए, क्वांटिटी हटा दीजिए तो ये आपको यहां दिख जाएगा, ठीक है। तो लुकअप फॉर्मूला में किसी भी वैल्यू सम या किसी चीज को आप लुकअप कर सकते हैं उसके पोजीशन के हिसाब से, या कुछ और यहां देना चाहे तो दे सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए कि बोलिए इसे मैक्सिमम चाहिए, क्या बोले सर, अच्छा रैंक देना चाह रहे हैं, उसके लिए अलग फॉर्मूला है बताऊंगा आपको, ठीक है। रैंक ऑफ मॉडल अलग, ठीक है। ये इंडेक्स नंबर क्या होता है, सीक्वेंस के हिसाब से होता है, रैंक के हिसाब से नहीं। हाँ रैंक अगर देना चाहते एक काम और कर सकते हैं कि मैं एक काम यहाँ पे इसके हिसाब से शॉर्ट कर लूं, और होता था ना इधर शॉर्ट, ठीक है। अब इस पे ये आता हूं मैं आईएनडी पे एडिट, और यहां पे इंडेक्स दे दीजिए, हो गया सर, समझे कि नहीं। अब ये कंटिन्यूस चलता है, ये कंटिन्यूस चलेगा, ये कॉलम के फिल्स। एक काम करता हूँ मैं यहाँ से ईयर हटा देता हूँ, क्वांटिटी हटा, क्वार्टर हटा दिया, मंथ हटा दिया। अब यहाँ पे जो ईयर है ना वो लेता हूँ मैं यहाँ से ईयर रो में, ठीक है। और यहाँ जो मंथ है मंथ लेता हूँ, मंथ ईयर पहले में से ना, मंथ बाद में, ईयर मंथली हो रहा है, ईयर में ईयर नहीं हो रहा है, मंथ हटाता हूँ ईयर डालता हूँ पहले, ईयरली है 4, 3, 2, 1 आ रहा है। एंड यहाँ इसी के बाद में मैं अपना मंथ डालता, ये आगे जा ही नहीं रहा है, इसके ऊपर मेजर्स में जा सकता है लेकिन इसके नीचे नहीं रहता है,
ये रखे दवा देख रहा, क्योंकि ये नंबर है इसलिए। एक काम करता हूँ, इसको मैं डिफॉल्ट है नंबर होल है ना, इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ जी। स्ट्रिंग कर दिया, अब जो है इसको डालता हूँ ईयर, ये डाला, और इसके बाद मैं इसको नहीं कंटिन्यूस ही चलेगा सर। कंटिन्यूस ही होगा ठीक है। जैसे टॉप अगर ये दिसंबर तक है तो ट्रांसफर, उसके बाद अगर ये अगर मंथ के बाद में मंथ से स्टार्ट करें ट्रांसफर, एक और मिनट, जहाँ सेम रहते हैं वहाँ पर सेम सेम तो एक काम करते हैं, सेम मैं एक मिनट मैं जाता हूँ एनडी में, यहाँ पे एडिट करता हूँ। अब इंडेक्स के अंदर जो हमने ब्रैकेट ओपन क्लोज किया है ना, यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे मैं ईयर ले लेता हूँ, जो ईयर का कॉलम नहीं, कैलकुलेशन दिखा रहा है ना कोई, ईयर के अंदर किसी इसके अंदर कोई भी फील्ड नहीं ले सकते हैं। इसमें एक रैंक का फॉर्मूला है वो लगाते हैं ठीक है ना, बताया था इसमें रैंक का भी फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे आते हैं लगाते हैं रैंक पे, यहाँ पे आपका आता है रैंक ठीक है। रैंक में आपको देना है एक्सप्रेशन जो कि है हमारी क्वांटिटी, और यहाँ पे आता है कि असेंडिंग चाहिए या डिसेंडिंग चाहिए, तो हमने सिंगल कोट में ए एस सी कर दिया। एक मिनट, इसे स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ रहा है, नहीं एरर दिखा रहा है क्या? तो ए सी लिखा लेकिन ओके, ए एस सी वही भी एरर दे रहा है। एक मिनट तक मैं मीट कर यहाँ पे, ओके सिंगल को बोला है कि एससी दीजिए या डीएससी दीजिए, एग्जांपल में इसने फॉर्मूला लगा के नहीं दिखाया हुआ है। यहाँ एरर क्या आ रहा है, मे बी मिसिंग द दा। क्वांटिटी सम क्वांटिटी, ओके अब यहाँ पे ए एस सी असेंडिंग डिसेंडिंग, ओके तो इस तरह से रैंक आप निकाल सकते हैं। तो रैंक पूरे के हिसाब से रैंक निकलेगा, लेकिन इसके हिसाब से रैंक जो है मेजर्स के हिसाब से रैंक नहीं निकलेगा, लेकिन रैंक के कई सारे फॉर्मूले हैं, एक बार देख सकते हैं यहाँ पे आप। एक तो रैंक है आपका, दूसरा यहाँ पे एक आता है आपका रैंक डेंस। रैंक डेंस क्या करता है, ये आपका करेंट रो साइन द रैंक। ओके एक काम करते हैं, रैंक डेंस को रैंक के अंदर में डाल के देखें,
इसके अंदर सम ऑफ क्वांटिटी को हटाते हैं और इसके अंदर रैंक देते हैं, और इसके अंदर सम ऑफ क्वांटिटी ठीक है अप्लाई, क्योंकि वही है, कोई खास चीज नहीं, ये पूरे के पूरे कॉलम के अकॉर्डिंग करता है। फिर आता है रैंक मॉडिफाई आता है, तो ये सारे सारे इसके कैलकुलेशंस बेस पे होते हैं। यहाँ दिखा है ना कि आपका 69944 है, तो ये आपको सब चौथा नंबर आएगा, 33 आएगा, 1 है, रैंक यूनिक, इसमें डुप्लीकेसी रैंक आपकी नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं रैंक, यहाँ पे रैंक यूनिक में सम, और सम के अंदर हमने अपनी क्वांटिटी को ले लिया, तो आप देखेंगे अप्लाई करके, इसमें कोई एक नंबर दो बार रिपीट नहीं है, यूनिक को था रैंक एवरेज ठीक है। तो ये जो सम पे कर रहा है ना, इसको एवरेज पे रैंक करेगा सर। कहता है रनिंग काउंट, रनिंग काउंट में एक काउंट दिखाता है, यहां पे अगर मैं करूं रनिंग काउंट, रनिंग काउंट, रनिंग काउंट में इसके अंदर अगर हम डाल देते हैं अपना क्वांटिटी ही डाल दूंगी, नहीं सम ऑफ क्वांटिटी एंड अप्लाई, एक काउंट आएगा आपका रनिंग काउंट, इसीलिए रनिंग काउंट के बाद आपका इस तरह से रनिंग मैक्स आता है, इसके बाद यहाँ पे रनिंग मीन आता है, इसका रनिंग सम, यहाँ पे रनिंग सम निकाल सकते हैं, यहाँ पे काउंट के जगह पे यहाँ लिख देता हूँ रनिंग सम एंड अप्लाई, ये देखिए रनिंग सम ठीक है। अब रनिंग सम में अगर मान लीजिए मैं यहां से सम ऑफ क्वांटिटी हटा दूं, फिर भी रनिंग सम आता है, जैसे अगर लीनियर निकालने होते हैं ना ऐसे, इसको अगर हम मान लीजिए इस मिसोमी में आता हूं और हम इसको इसमें लेते हैं, तो देखिए इसको आप यहां से जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला ठीक है, ये आपका क्यूमुलेटिव सम होता है रनिंग सम, ऐसे ही क्यूमुलेटिव आपका मिनिमम होता है, यही आपका क्यूमुलेटिव आपका मैक्सिमम, ईयर वाइज करना है तो आपको मंथ हटा दीजिए, ईयर वाइज हो जाएगा आपका ठीक है। लेकिन मंथ वाइज हो रहा है, ईयर वाइज यहाँ देखिए क्यूमुलेटिव टोटल में यहाँ जो है आपका आ रहा है, अगर मैं इसको यहां से हटाऊं, इसको एक मिनट ईयर यहां रखता हूं, मैं यहां पे सबसे पहले ईयर लेता हूं, उसके बाद मैं अपना ये आईएनडी जो है ईयर को रो में रखता हूं, और ये जो आईएनडी है इसको मैं रखता हूं टेक्स्ट में, यहां टोटल आ गया सर, एक रनिंग टोटल है। अब इसको मैं यहां से इस चार्ट में कन्वर्ट करता हूं, आ गया सर ईयर वाइज, मंथ मतलब ईयर और मंथ दोनों डालना है आपको, नहीं समझे ना, ईयर का रनिंग टोटल नहीं, अगर आप मंथ का नहीं रनिंग टोटल में जैसे कि नहीं समझे, रनिंग टोटल में तो जो फिल होगा उसके हिसाब से ना होगा सर, नहीं जी ये कंटिन्यू टोटल, क्योंकि जो टोटल हमने फॉर्मूला लगाया है, इस फॉर्मूले के अंदर में कहीं ऐसा नहीं रखा है कि भाई
जैसे आपका एक कॉलम्स में स्लैब कम हो उसका टोटल, जो सब टोटल जैसे पिवट में सब टोटल है उसकी बात कर रहे हैं ना आप। जब हम पिवट यहाँ पे मान लीजिए कि हमने अपना ये रखा, अच्छा एक काम करता हूँ इसको डेट वाइज करता हूँ, मैं डेट को रखा यहाँ पे, यहाँ बात ईयर एंड क्वार्टर यहाँ पे दोनों को यहाँ, क्वार्टरली ही लेता हूँ और इस पे अपना एनडी होता है। यहाँ टोटल नहीं आ रहा, सब टोटल नहीं आ रहा है, जो सब टोटल नहीं आता है फिर। नहीं नहीं सब टोटल नहीं आता है सर, इसमें पिवट की तरह सब टोटल नहीं आता है, सब टोटल नहीं आएगा तो टोटल भी नहीं करेगा। अब उसके लिए कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कोई कोई इसके लिए कोई स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, अब स्क्रिप्ट सोचना होगा इसके लिए क्या हो सकता है। ठीक है मैं देखता हूं आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पे हम यहाँ पे करते हैं। एक आपका टोटल आता है, लेकिन टोटल तो इस सम नहीं है, टोटल कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है। एक मिनट टोटल लगा के देखता हूँ। टोटल टोटल में सम हाँ एक मिनट मैं इसका ये रख दूँ, इसमें 5 8 नहीं, ये टोटल पूरा ही दे रहा है, तो सम की तरह कर रहा है काम। एक काम और करता हूँ कि टोटल माइनस रनिंग सम और इसमें हम 5 8 9 पता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया ना, तो नहीं नहीं हुआ सर, कुछ देखना पड़ेगा करना पड़ेगा सर, यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, मैं एक सोचता हूँ। ठीक है ना, चैट जीपीटी बता पाएगा हाउ कैन शो सब टोटल इन टैबलू टेबल। एक मिनट, इसमें आईएनडी हटाता हूँ। ये बोला है कि एनालाइज के अंदर टोटल्स के अंदर यहाँ सब टोटल है, शो ग्रांड को रो ग्रांड टोटल, इस कॉलम में दो ग्रांड टोटल नहीं पूछा है, तो इसके रो वाइज डेटा है नहीं, कॉलम ग्रांड टोटल अंडरग्राउंड टोटल आया। एड ऑल सब टोटल्स, ये देखिए सब टोटल आ गया सर, यही चाहिए था ना आपको। ठीक है
नवंबर का है 21,938, ठीक है। तो नवंबर में अक्टूबर साल में लोड होकर के आए, हाँ, तो दिसंबर में 31,640, तो जो नवंबर हाँ, तो यहाँ पे इसको रखिए ना, यहाँ पे मैं रखता हूँ, रखिए, और जरा ठीक है, यही चाहिए था ना। लेकिन इसमें से क्वार्टर वन दो बट हाँ, यहाँ पे दिक्कत ये हुआ कि जो क्वार्टर, यहाँ पे क्वार्टर जुलाई में जो हुआ, इसने इसकी को कैरी किया है, बस यही दिक्कत है ना, यहाँ पे कैरी करना नहीं चाह रहे हैं आप, ये बोल रहे ना। हाँ, शुरू से स्टार्ट है लेकिन ये कैरी नहीं करना चाह रहे, लेकिन इससे आप रनिंग सम कैरी कर रहा है, और बात सही है, रनिंग सम बना इसीलिए है ना सर, रनिंग सम का सर। जी जी समझ रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो फंक्शन में आगे हम फंक्शन मोस्टली हम कवर कर चुके हैं, अब आगे जो हम कवर करेंगे ग्रुपी, ग्रुप, सेट्स, इन सबों के बारे में, ठीक है, और इस तरह की स्क्रिप्टिंग के कैलकुलेशन, स्क्रिप्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं कुछ स्क्रिप्टिंग निकालता हूँ।